स्टेम मैथ मैजिक में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुपोष कुमार आज आप लोगों के सामने टाइम एंड डिस्टेंस लेकर आया, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। आज तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिर जो बाकी क्वेश्चन होगा फिर आपको पीछे बैक में दे दिया जाएगा, जो आप लोग बनाएंगे फिर कल होकर बताया जाएगा, वही प्रक्रिया हम लोग का चलेगा। सॉरी इसलिए कि कल मैं वीडियो नहीं डाल सका, कुछ काम था और थोड़ा सा सर में दर्द भी था इस कारण से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस इसको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, ट्रिकली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला से लेंगे, उसके फिर देखा जाएगा जैसा होगा समय और लगेगा। तो पहले सबसे पहले एक चीज देखेंगे हम लोग फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय, औसत चाल, कुल दूरी और बटा कुल समय, कुल समय या 2xy बटा x प्लस y। चाल की बात करें, चाल के लिए कुछ बात है, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो, किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड में हो तो उसे 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि इसके जरूरत हम लोग को बहुत पड़ेगा। चाल की बात आते हैं, दूरी की बात करें, दूरी का जहां तक बात है, दूरी यदि किलोमीटर में हो 1000 से गुना करके मीटर में बदलेंगे, और यदि मीटर में दिया हुआ है तो 1000 से भाग देकर के उसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, ये दूरी के लिए। अब देखिएगा एक और चीज आता है, आप लोग जैसे देखते हैं समय, समय का 2-4 कंडीशन है। समय के लिए क्या करते हैं देखिएगा, समय यदि घंटा में दिया हो 3600 से गुना कर दीजिए तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और यदि सेकंड में दिया हुआ है 3600 से भाग दे दीजिए तो घंटा में चेंज हो जाएगा, घंटा में दिया हुआ है 60 से गुना कर दीजिए तो मिनट में चेंज हो गया, और यदि मिनट में दिया हुआ है 60 से भाग दे दीजिए तो वह घंटा में हो जाएगा, और यदि मिनट में दिया हुआ है 60 से गुना कर दीजिए तो सेकंड में हो जाएगा, और सेकंड में दिया हुआ है 60 से भाग दे दीजिए तो मिनट में चेंज हो जाएगा। यह हमारा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, और जो दिक्कत होगा फिर पूछिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नोट कीजिए, चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि हम लोग देखेंगे ये, अगर किसी का चाल दिया हुआ एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड, अगर यह एक्स है और यह वाई है तो टाइम लिख सकते हैं, अनुपात में यदि दिया हुआ तो टाइम इसका हो सकता है वाई अनुपात एक्स। इसे भी एक और चीज दिया है, दो चाल दिया हुआ है, दो दूरी है, मान लेते हैं कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया हुआ है और दूसरा वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया हुआ है, और दोनों का औसत चाल जो दिया हुआ है वह जेड किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपसे पूछेगा कि समय का अनुपात बता दे क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा x माइनस जेड यहां लिख दीजिएगा, और
यहां हो जाएगा जेड माइनस वन, और यह जो दोनों अनुपात आएगा यह समय का अनुपात आएगा, या इसी को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं चाल, यहां भी चाल और यहां भी यदि चाल, तो नीचे जो भी अनुपात आएगा वह समय का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भी होगा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं आज, एक या दो होगा। कहता है एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी कर लेती है, तो उस बस को वो यात्रा 9 घंटों में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूं। देखिए टाइम का अनुपात दिया हुआ है, एक है 6 और एक है 9, अनुपात काट दीजिए, 3 × 6 = 9। अब बताया गया कि स्पीड का चाल यानी कि चाल का अनुपात इसका उल्टा होगा, ये 3 हो गए और ये तो हो गए, और इसका मान दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या गुना है तो 20 गुना, तो ये भी क्या होगा 20 गुना, तो गुने 20 यानी कि ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। तो देखिए चाल दिया हुआ है, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 सेकंड, तो पहले चाल को बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड, हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि याद रखेंगे कि यह यदि मीटर प्रति सेकेंड में होगा तभी यह सेकेंड में होगा, यह अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो समय हमको घंटा में चाहिए, तो दूरी बराबर चाल गुने सब, तब 20 गुने 5 यानी कि 100 मीटर आंसर। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, चाल दिया हुआ, चाल है 3 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है, समय है आपका 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 सेकंड, 3 × 5/3 घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 3 × 18/5 और गुने 5/3 यानी कि 18 किलोमीटर। चलो ठीक है, तो बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे और इसे शेयर भी कर दे। आज भी आपको 5-7 क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा, उसे जरूर बना लेंगे ताकि उसको हम फिर से कल सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, थैंक यू।